नमस्कार दोस्तों। 25 साल का लड़का ठेकेदार कैसे बन सकता है? 21 साल का लड़का ठेकेदार कैसे बन सकता है? 24 साल का लड़का ठेकेदार कैसे बन सकता है? अरे कम पढ़ा लिखा ठेकेदार कैसे बन सकता है? कम पैसे वाला ठेकेदार कैसे बन सकता है? कुछ भी नहीं जानता फिर भी ठेकेदार बना फिरता है। कल के छोरे ने लाख रुपए कमा लिए, 10 लाख रुपए कमा लिए, 20 लाख रुपए कमा लिए, 1 करोड़ रुपए कमा लिए। आपने ये कमेंट सुने होंगे। आइए आज मैं इसी वीडियो में इन सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं आपको, जो मेरे अनुभव पर आधारित होते हैं। ये मेरे अनुभव आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, केवल मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर पर मिल सकते हैं आपको। इन्हीं अनुभवों के आधार पे आप दिन प्रतिदिन तरक्की कर सकते हैं ठेकेदारी बिजनेस में। इन्हीं अनुभवों के आधार पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन्हीं अनुभवों के आधार पर आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं ठेकेदारी का। सिविल कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहा हूं मैं। एक मजदूर मेरी साइट पे, जहां मैं सर्विस करता था खुद एज ए सुपरवाइजर, वहां तगारी ढोने के लिए गुजरात जैसे स्टेट में काम चल रहा था, तगारी को ढंग से नहीं पकड़ रहा। तगारी को कुछ लोग काठड़ी कहते हैं, कुछ लोग तगारी कहते हैं, कुछ लोग पराती कहते हैं, कुछ लोग तसला कहते हैं, कुछ लोग कतेड़ा कहते हैं। कितने नाम गिनाऊं आपको? मेरा अनुभव तो काफी स्टेट्स का है, इसलिए कई स्टेट्स की भाषा में बोल तो नहीं सकता, मगर शब्द बोल सकता। तगारी को ऐसे पकड़ रहा था अंगूठे से, दोनों कनारों को अंगूठे से पकड़ रखा था। मैंने उसको कहा, तुम्हें तगारी ढोना नहीं आता और मजदूरी करने आ गया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस लड़के ने धीरे से कुछ फुसफुसाया जो शब्द मेरे कानों तक पहुंच गए। उसने कहा, किस्मत की ऐसी तैसी हो रही है सर, नहीं तो मैं भी आप जैसों से कम नहीं हूं। ध्यान से सुनिए एक एक शब्द को, आने वाला एक मिनट और ज्यादा अनुभव देने वाला हो सकता है आपके लिए। छोड़ के मत जाइए वीडियो। मैंने उसको कहा, बाहर आओ। वो अंदर खड्डे में था, मैं ऊपर खड़ा था, फाउंडेशन डल रहा था RCC ओवर हेड टैंक का। उसने सोचा डांटेंगे, बोला, नहीं सर मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं तो वैसे ही कुछ बोल रहा था। मैंने कहा, बाहर आओ आप। बाहर आए, मैं मेरे टेंट में ले गया उसको। मैंने कहा, कुछ बोला था तुमने जब मैंने तुम्हें डांटा था? बोले, हाँ सर बोला था। क्या बोला था? बोले, मैंने ये कहा था कि किस्मत की ऐसी तैसी हो रही है। क्यों, ऐसा क्यों बोला? बोले, आपने ऐसा क्यों बोला कि तगारी ढोनी नहीं आती? मैंने कहा, इसलिए बोला था कि तगारी तसली के नीचे हाथ लगाए जाते हैं और तुम अंगूठे से पकड़ रहे थे। तुम्हें पता है इसमें 15 से 20 किलो कंक्रीट है और ऐसे नहीं उठाई जाती है। बोले, मेरे हाथ कट जाते हैं। मैंने कहा, क्यों, कभी काम नहीं किया? बोले, नहीं किया। क्यों? बोले, मेरे पिताजी ठेकेदार थे। भावुक होकर रोने लग गया। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? बोले, कुछ नहीं हुआ साहब, 2-3 साल में सारा मामला सलट गया। कैसे? वो ड्रिंकर हो गए, पीना शुरू कर दिया, फिर बीमार हो गए, फिर दुनिया से अलविदा कह गए। मैं उस समय एजुकेशन प्राप्त कर रहा था। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं सर, फफक के रोने लग गया। मैंने उसको कहा, घर जाओ, नहा धोकर आओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ जो रूटीन में तुम पहनते हो। वो दोपहर 2:30 बजे बाद में आया। मैंने उसको एक डायरी दी, एक पेन दिया,
साइट पे सुपरविजन का काम करो 3 महीने तक, समझो इसको। आज के बाद में इस साइट पे तुम सुपरवाइजर हो, मैं नहीं हूं, मैं दूसरी साइट चालू करता हूं, हर 7वें दिन आऊंगा, चेक करूंगा, सब कुछ उसने व्यवस्थित कर रखा था, यूं कह सकता हूं मेरे से ज्यादा अच्छा कर रखा था। ध्यान दीजिए दोस्तों, मेरे से पहले मैं सर्विस में था, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, और वो ठेकेदार बन गया। किस्मत कहां मेहरबान हो जाती है, किसके साथ जुड़ने चाहिए। मैं ठेकेदार बना 82 में, वो बन गया 78 में। ये बात बता रहा हूं मैं 76 की, आप 1976 की बात बता रहा हूं। ऐसे भी ठेकेदार बन सकते हैं। किसका भाग्य कब सही हो जाए, किसके साथ जुड़ जाए, कौन किसकी मदद कर देवे। मैंने सपने में ही नहीं सोचा था कि मैं किसी की मदद इस तरह कर दूंगा, मगर मेरे एक शब्द ने उसका भाग्य बदल दिया, जो मैंने उसको गाली से कम नहीं था मेरा। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, ये कहा था मैंने उसको, और उसी शब्द को उसने बड़े सलीके से जवाब दिया, और उसी शब्द के पेटे वो ठेकेदार बन गए। दोस्तों, आपकी साइट पे ऐसा हो सकता है, आपने कभी गहराई से देखा हो तो ऐसे हो सकता है। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।